हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी को मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से फिर से एक बार हैप्पी 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 दिवाली। तो दोस्तों, आज है दिवाली और वो दिन आ गया है जिस दिन का था इंतजार। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ सवेरे, और अभी बज गई है 9। तो पूजा वगैरह मैंने कर ली है सुबह की। तो अभी थोड़ी देर में मतलब इधर उधर जाना होगा मिठाई देने, और फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फूल तैयारी है, फूल भी ले लिए मैंने, अभी फूल वाले आए थे। तो बाकी जो मेन चीज़ होती है पूजा वगैरह, तो देख सकते हो आप, एक बार दिखाते हैं आपको मंदिर। तो ये देख सकते हो आप, मंदिर की पूरी सजावट हो गई है, पूजा होगी मेरी। तो सभी को हैप्पी दिवाली एक बार, और सभी के जीवन में जगमग जगमग रोशनी से ये त्योहार हर बार आए, और हर बार ज्यादा से ज्यादा खुशियां लेके आए। तो हैप्पी दिवाली ऑल माय ऑल फ्रेंड। तो गाइस, साफ सफाई सब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो आप तैयारी, जोरों शोरों से माला बनाएंगे हम लोग, और फूल ये लाए हम। तो ये देखिए, हैप्पी दिवाली, एक बार हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली, ऐसे इधर देख के प्यार से, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये मेरा सोना बेटा, और कैसा लग रहा है आज दिवाली है? अच्छा। तो आप लोगों को क्या बोलोगे? आप भी हैप्पी मनाओ दिवाली, हैप्पी से मनाओ। और ये यहाँ पर देख सकते हो, ये देने के लिए ये सारी मिठाई वगैरह लाए हम, और बाकी अभी जाना है और सामान लेने। तो गाइस, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मेरी दोनों बेटियाँ बना रही है माला, और मेरा काम कर दिया दोनों ने आसान। तो देखिए, घर में बेटियां भी होती है तो कितनी रौनक होती है, और देखिए लगी है मेरी हेल्प करने में। हेलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन गया है सुबह के नाश्ते में गर्मा गर्म पूरी, और ये देख सकते हो आप, इसमें बनाई मैंने खीर, और बाकी बनाई है आज मैंने ये देखिए आलू की सब्जी। तो ये न्यू आलू आए हैं, और बिल्कुल धनिया वगैरह डाल के, और बाकी ये देखो सुहानी को, और सौम्य और सुहानी ने पूरे घर को सजा दिया है, ये देख सकते हो फ्रेंड्स आप लोग। और ये देखो सारी, इतनी सारी मालाएं बना दी है मेरी बेटियों ने। तो अभी गेट पे लगाना है, और बाहर मतलब बाहर और यहाँ सब दरवाजों पे लगाना है। ये देखो मम्मी, सौम्या बना रही है बाकी। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने गली में, तो दिखाएंगे आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्या है, तो कुछ न्यू है। चलिए चलिए, इसकी वीडियो बना लेते हैं, बड़ा चमक चमक बना देती हूँ मैं तुम्हारे इसके। वाह, कितने सुंदर लग रहा देख। कितने सुंदर लग रहा सर, इधर आ जा, इधर इधर बना रहे थे, दिखाओ अंकल बोलिए। अच्छे लग रही है अभी फूल, दो कैसे सजावट हो गया। तो गणेश महाराज जैसा बुढ़िया की माई को दिया, वैसा सबको दे। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोले गणेश भगवान की और कथा। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। क्या लेकर घूम रहे थे? चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। अब खीर कैसे बनेगी? चुटकी, एक चुटकी चावल था ऐसे, और एक चम्मच दूध था, उससे बनती थी खीर। सबने थोड़ा सा सामान देकर, सामान देखकर मना कर दिया, भाई कर बेटा ऐसे नहीं बनने वाली खीर, इतने छोटे सामान से, एक दाने से खीर बनेगी क्या? तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मेरे, ला बेटा मैं तेरी खीर बनाता हूँ। और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, कटोरी क्यों लाई? टोप लेकर आ। टोप लेकर, उतना बड़ा जो होता है ना, पूरा वो उसके अंदर इतना बड़ा, टब ले गया, टोप ले गया। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई, और वह दूध से भर गया पूरा का पूरा, अपने आप में चम्मच दूध डाला, पूरा भर गया भाई। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक खीर बनाकर रखना। बुढ़िया माई ने खीर बनाकर कर दी तैयार। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो। जय हो। बोलो श्री हरि की जय हो।
अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में अब क्या हुआ, खीर बन के हो गई तैयार। अब बुढ़िया माई के मुंह बहू के मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया, आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठ गई और खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिसे गणेश जी का भोग लग गया। ठीक है, कुछ भी खाने से पहले थोड़ा सा रख देना चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय हो। भगवान को मिलता है। जब थोड़ी देर बाद बुढ़िया गणेश भगवान को बुलाने लगी तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा भोग तो लग गया, जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर गिर पड़ा, तो सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बच्चे तो थाली में डालकर छीके पर रख। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो, छीके पर रख देना, शाम को गणेश भगवान खाएंगे उसे, एक उसमें तोड़ते ना टुकड़ा उसमें सब कुछ रख देना, आऊंगा शाम को। ठीक है, बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो, बोलो श्री हरि की जय हो। बहुत जय हो भगवान, जय श्री कृष्ण, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शुभ गुण सुंदर जय हो, जय हो, जय हो भगवान, जय लक्ष्मी की जय हो।